वेलकम बैक टू माई चैनल सुई धागा आर्ट क्राफ्ट आज मैं आपको प्लेन ड्रेस पे पेंटिंग करना सिखाऊंगी ये बेसिक पेंटिंग है न्यू कमर्स के लिए यानी सीखने के लिए जो अभी स्टार्ट करें तो पहले मैंने क्या किया है नॉर्मली मैं क्या करती हूँ एक पेन लेती हूँ और पेन से को जो ड्रेस है उस पर हम पहले मार्किंग कर देंगे या कोई भी फ्लावर्स बना लेंगे जो आपको ईजी लगेगा तो इस तरीके से मैं इस पर फ्लावर्स बना लेती हूँ पत्तियाँ हैं कुछ कुछ भी कोई डिज़ाइन आप देख कर उसे उतार सकते हो सिंपली तरीके से तो इस तरीके से पूरा मैंने छोटा सा एक फ्लार का बना लिया है फ्लार बना लिया एक्चुअली तो उसे मेरे को क्या करना है उसे टाइट से हमारे पास वो रोल आता है जिससे हम कपड़े को टाइट करके कुछ भी वर्क कर सकते आपको नॉर्मल कोई भी धागे की दुकान पे मिल जाएगा तो अभी मैं इसे स्टार्ट करती हूँ फिलिंग करना तो मेरे पास फ़ैब्रिक कलर है फ़ैब्रिक कलर के लिए मैंने छोटा सा ही बॉक्स लिया है ज़्यादा नहीं उसमें थोड़े बहुत ही कलर है तो मैं पहले इसमें रेड कलर भर देती हूँ और इस तरीके से फ्लावार्स को आपको जो भी कलर चाहिए आप फ्लार के हिसाब से उसको पेंट कर सकते हो तो इस तरीके से मैं पहले रेड भर लेती हूँ दोनों फ्लाज में ये सब बेसिक सिर्फ हाथ आपका फिनिशिंग एक बार बैठ जाएगा तो उसके बाद आप बिना डिज़ाइन के बिना उसके भी पेंट कर सकते हो और आप चाहो तो आप उसको Uh, कार्बन की मदद से भी डिज़ाइन बना सकते हो बहुत सारे तरीके हैं धीरे धीरे आपको मैं आगे बताऊंगी ये फिलहाल नॉर्मल बेसिक तरीका बिना किसी चीज़ के हमने नॉर्मल ऐसे डिज़ाइन बना दिया अभी मैंने वाइट और रेड को मिक्स करके थोड़ा पिंक किया है जो बीच में मैं उसको शेड दे रही हूँ फिर उसके बाद वाइट ले मैं पूरा वाइट वाइट शेड दे, दे दूँगी हल्का सा तो इस तरीके से थोड़ा चेंजेस आ जाएगी दोनों फ्लाज में देना है उसके बाद बीच में मैं जो बच गया है उसमें येलो कलर यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से इसको येलो दे दिया है मैंने अभी मेरे मैं जो रेड कलर है उसमें मैंने ब्लैक कलर मिलाया है मैं ग्रीन कर लेती हूँ ग्रीन पर उसके लिप्स पे करना है तो इस तरीके से आपको ब्रश है ना स्टैंडिंग पोजीशन पे रखना है और ऐसे करके लगाना है तो ऐसे आप करोगे ना तो अच्छे से वो कलर होएगा अदरवाइज़ वो बराबर से कलर नहीं होएगा तो आपको ब्रश को हमेशा खड़े रख के ही यूज़ करना है तो मैं इस तरीके से ग्रीन लीफ कर लेती हूँ ग्रीन लीफ करना है उस पर आप वाइट कलर लेके शेड्स दे सकते हो फिर उसको आप चाहे तो आउटलाइन करना है तो आप ब्लैक कलर यूज़ करके पतला ब्रश लेना है और उसको आउटलाइन कर सकते हो फ्लावर्स को या लीफ को तो इस तरीके से मैंने वाइट शेड दे दिया है इसे जस्ट फॉर द शेडिंग के लिए ऐसा बारीक बारिक बारीक बारीक बारी बारी लाइन ड्रॉ करनी है और उसे फिर मिक्स कर देना है तो इस तरीके से ये हो गया है मेरा लीफ भी बन गया ऊपर भी लीफ है तो मैंने व्हाइट और ग्रीन दोनों मिक्स करके उस लीफ को डायरेक्ट डायरेक्ट फ्लिंक किया है एक ऐसे करके जस्ट स्ट्रॉ में तो एक स्ट्रॉक में ही मतलब वो हो गया तो ये इस तरीके से हो गया है और मेरे लीफ भी रेडी हो गए हैं अब इसके बाद मैं पूरा मिक्स कर देती हूँ और छुट मतलब छोटी छोटी कली मतलब छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं तो ये खाली हम लोग को पेंट ब्रश को ऐसे रख रख के इस तरीके से करना है तो ये भी मेरा तैयार हो जाएगा उसमें मैंने ब्लैक कलर मिला दिया है वही कलर थे जो बचे हुए तो अभी मैं उसके लिए स्टैम्प बनाऊँगी तो उसे एकदम संभाल के करना है ताकि पतली लाइन बने खराब ना हो तो मैं ऊपर से ही स्टार्ट करती हूँ तो मैं ऊपर नीचे जहाँ जहाँ पर भी स्टैम्प है उसे कर लूँगी फिलिंग भी करना है तो आपको इससे आप अपने फ्लावर को फिलिंग भी कर सकते हो अपने लीफ को भी तो ये इस तरीके से बन गया जहाँ बारीक लाइन लेनी है वहाँ हमें एकदम बारीक लेनी है और जिसको मोटा करना है उसे मैं मोटा कर देती हूँ तो अभी तो फ़िलहाल टाइट करके रखेंगे इसे हम रिंग की मदद से तो वो बहुत अच्छे से बन जाता है और अगर आपके पास रिंग नहीं है कपड़ा बट आपको फैब्रिक मोटा ही यूज़ कर रहे हो आप तो आप नीचे पेपर डाल के पेपर रख कर न्यूज़पेपर आप उसको यूज़ कर सकते हो मैंने डॉट डॉट भी डाल दिया है इसमें इसको भी मैं एक एक स्ट्रोक मार देती हूँ तो इस तरीके से ये हो गया है मेरा ये ऊपर का पार्ट मैंने बनाया है मैं फिलिंग कर रही हूँ मैं आउटलाइन बना रही हूँ लिफ में तो ये मेरा ना चे इसके पास का मतलब ऊपर टॉप के फ्रंट का जो पार्ट होता है ऊपर का हिस्सा होता है मैंने वहाँ बनाया है तो ये ऐसा फ्लावर है मेरे को पूरा टॉप भरना है और फ्री हैंड ड्राइंग मतलब बिना किसी चीज़ के तो इसलिए मैंने ऊपर तो ऐसे बनाया नीचे मैंने ईजिली बना लिया है अभी से हो जाने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये तो मैं वो रिंग खोल देती हूँ मेरे पास छोटी रिंग है तो मैंने उसके हिसाब से ही बनाया है ये हो रहा है मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा अभी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है ये इतना टाइम नहीं लगता और आपको जैसा वर्क चाहिए वैसा हो भी जाता है ब्यूटीफुली तो मैं इसको भी आउटलाइन दे रही हूँ आउटलाइन बहुत संभाल के देना स्लो स्लो करके और एकदम पतला ब्रश यूज़ करना है उसके लिए तो इस तरीके से मेरा आउटलाइन भी हो गया मेरे फ्लावर्स रेडी हो रहे इससे भी मैं आउटलाइन कर देती हूँ ये भी हो चुका है ऑलमोस्ट फ्रंट पार्ट डन मैं पत्ते को ब्लैक शेड कर रही हूँ वाइट मैंने लिया है बीच में किया है मैंने फ्लास्क को भी थोड़ा सा ब्लैक शेड दे रही हूँ आप सिंगल कलर भी यूज़ करोगे डेट वुड बी बेटर ये इस तरीके से बन जाएगा रेडी तो अभी मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ तो पहले ये बचा हुआ था मेरा वो रिंग में नहीं आया तो मैं उसे पूरा सर्कल जो भी है वो उसके कलर में स्टैम बना देती हूँ ये इस तरीके से हुआ है तो अभी मैंने पिंक कलर जैसा यूज़ किया है वैसे पिंक कलर बनाऊँगी और छोटे छोटे फ्लावर्स नॉर्मल बनाकर और पत्ती है जो भी है वो बनाऊँगी तो पहले मैंने इसको अच्छे से कर लिया रिंग बहुत छोटा था इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया तो इस तरीके से बस मुझे स्ट्रॉक रखते जाना है और फ्लावर्स बनाना है ये एक फ्लावर हो गया साइड में हो गया है बिना किसी चीज़ के मतलब अब ऐसे ही डायरेक्ट ब्रश से पेंट कर सकते हो तो ये मेरा नीचे का पार्ट हो गया है अब मैं इसको पत्ते बनाऊंगी तो पत्ते भी मुझे से रख कर इसे ज़रा सा उठाना है मीन्स नीचे पूरा टैप करके थोड़े से बारीक लेकर उठाना ताकि वो पत्ते बने देख सकते हो आप कितना खूबसूरत लग रहा है बिना किसी चीज़ के इस्तेमाल के डायरेक्ट कलर और अपना ब्रश तो ये मेरा रेडी हो गया है ऊपर का पूरा अभी मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नीचे से स्टार्ट करके उसे ऊपर तक मिला दूंगी मैं कर रही हूँ इसको पूरा कंप्लीट कम्प्लीट फिनिशिंग दे रही हूँ थोड़ा बहुत रेड कलर करने के लिए ऊपर नथिंग ए सच आप ऐसे लीफ छोड़ भी सकते हो वहाँ पर जस्ट फॉर द बिगनर्स बहुत इजी तरीके से बना सकते हो मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ नीचे मैं एक बड़ा सा फ्लावर बनाऊँगी तो वो बड़ा सा फ्लावर बनाने के लिए भी मेरे को नॉर्मल ब्रश को कलर में डिप करना है और ऐसे बनाते जाना है तो ऐसे मैं टैप टैप करती जा रही हूँ तो ये एक लाल का वो हो जाएगा फिर नीचे मैंने व्हाइट लिया है और उसको हल्का सा टैप किया है तो उसके बाद मैंने लाइन बनाई है आउटलाइन आउटलाइन से मैं उसे शेप दूंगी फिर ग्रीन कलर से मैं पत्ते बना दूंगी तो अभी मैंने पत्ते भी बना लिया है तो इसे मुझे और वो डिप करना है बट तो वह मैं, मैं लास्ट में करती हूँ डिप मैं नीचे से ऊपर ले जाना है मुझे तो मैंने ब्लैक कलर या जो मैंने बनाया था ब्राउन जैसा कलर वो यूज़ किया है और डायरेक्ट अपने को राउंड राउंड शेप लेके ऊपर तक ले जाना है स्टैम फ्री हैंड ड्राइंग जैसे हम करते हैं सेम वैसे ही करना है तो ये इस तरीके से हो जाएगा तो फिर नॉर्मल रेड कलर को पिंक ले सकते हो आप रेड और पिंक मिलाकर मैं डायरेक्ट जैसे फ्लावर्स मैंने ऊपर लिए हैं वैसे टैप टैप करके फ्लावर्स बनाने हैं पूरे सर्कल सर्कल के पास और जहाँ आपको लगता है बनाना चाहिए और इस तरीके से मैंने बना लिया जब ये पूरा मेरा फ्लास बन जाएंगे ऐसे ही फ्लास बनाने हैं देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है जस्ट ऐसे ही स्ट्रॉक से बनाते बनाते तो ये इस तरीके से हो गया है अभी मैंने इसको नीचे जो मैंने आपको कहा था तो उसे मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया अब मैं ग्रीन कलर लेके इसमें लीफ बना देती हूँ तो इस तरीके से पूरा ड्रेस पेंट हो गया और येलो कलर ले उसमें बीच बीच में मैंने डॉट डॉट दिया है जस्ट तो लुक आने के लिए ये इस तरीके से बन गया है आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है या आप दूसरे कलर का ड्रेस भी यूज़ करके दूसरे पेंट कलर यूज़ कर सकते हो आपके कलर के अकॉर्डिंग आपको जो भी पसंद है तो प्लीज़ पसंद आए तो सब्सक्राइप सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ताकि मुझे समझ में आए कि ये कैसा है थैंक्स फॉर वॉचिंग